आज मैं तोड़ने वाला हूँ हार्डेस्ट माइनक्राफ्ट एमएलजी 5 मिलियन ब्लॉक्स की ऊंचाई से एंड तोड़ने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की सारी एमएलजी का वर्ल्ड रिकॉर्ड हार्डकोर माइनक्राफ्ट में। इसका मतलब अगर मेरे से एक भी एमएलजी चुकी तो ये वर्ल्ड डिलीट हो जाएगा और वीडियो खत्म। देन मैंने एक हार्डकोर वर्ल्ड क्रिएट किया और मैं उसको स्पीड रन की तरह खेलने लग गया। मैंने सारे सामान कलेक्ट किए, नेदर में गया और फिर द एंड। अब क्योंकि मेरी हार्डेस्ट एमएलजीज की लिस्ट में ऑलमोस्ट सारी एमएलजीज के लिए मुझे एलाइट्रा चाहिए था और फिर इसलिए मैंने ड्रैगन को खत्म किया और एंड सिटी में चला गया। एंड हियर वी गो, एलाइट्रा मिल चुका है। नाउ मुझे जस्ट ऐसे 10 पीस और चाहिए थोड़ी देर मेहनत के बाद। ऑलराइट, सो मैं रेडी हूं हार्डकोर माइनक्राफ्ट में सबसे ऊंची वाटर बकेट एमएलजी के लिए, जिसका रिकॉर्ड अभी किसी और के पास है जो कि 150,000 ब्लॉक्स की हाइट है। मुझे इससे भी ऊपर जाके एमएलजी करनी होगी। ऑलराइट, तो ये एरिया सही लग रहा है मुझे एमएलजी करने के लिए और फिर मैं अपने सारे रॉकेट से एलाइट्रा के साथ ऊपर की तरफ उड़ जाता हूँ। वेल, अभी तो मैं मुश्किल से बस 500 ब्लॉक्स ऊपर आया हूँ और फिर कुछ घंटे ऐसे ही उड़ने के बाद मैं पहुंच गया था लिटरली 4,56,000 ब्लॉक्स की हाइट तक। मेरे सारे सामान खत्म भी हो चुके थे। सो नमस्ते मेरे गोल्डन एप्पल्स एंड यस, अभी बस मैं यहाँ से नीचे गिरता रहूंगा। माइनक्राफ्ट की पृथ्वी भी दिख रही है बट पता नहीं मेरे को अब नीचे गिरने में कितने घंटे लगेंगे। अभी आई गेस बस 500 ब्लॉक्स होंगे। ओके, कर ली मैंने। अबे क्या दिक्कत है, लेट्स गो। एमएलजी तो हो चुकी है बट पता नहीं मैं कहाँ पे आ गया, पहले जाके सो जाता हूँ मैं। ऑलराइट, सो हाईएस्ट वाटर बकेट एमएलजी का वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा हुआ। सो मेरी 10 हार्डेस्ट एमएलजी की लिस्ट में से पहली कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो अभी मेरे को करनी है सबसे ऊंची लैडर एमएलजी इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो ये क्या मेरा एक ब्लॉक, अभी बहुत ऊंचाई से आऊंगा और यहाँ पे ऐसे एमएलजी करनी है मुझे, समझ आया? चलो करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने रॉकेट्स लेके आता हूँ। ऑलराइट, सो मैं पूरा तैयार हूँ ऊंचाई पे जाने के लिए, लेट्स गो। और फिर मैं ऐसे ही बहुत ऊपर जाता रहता हूँ। जितने रॉकेट्स लाया था खत्म होने वाले हैं। 4,500 ब्लॉक्स की हाइट, लेट्स गो। अभी लाइटर निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी मैं 4,500 ब्लॉक्स की ऊंचाई से नीचे गिर रहा हूँ, या तो एमएलजी हो जाएगी या फिर मेरा वर्ल्ड डिलीट हो जाएगा। ऑलराइट, मैं नीचे आने ही वाला हूँ। ऑलराइट, मेरे को किसी भी ब्लॉक के ऊपर करनी होगी और फिर लेट्स गो। हाईएस्ट लैडर एमएलजी हो चुकी है, मेरे पास संसाधन कम थे वरना और ऊंचाई से करता, बट स्टिल आई गेस इतने ब्लॉक्स इनफ है। एनीवे, नेक्स्ट एमएलजी की तरफ चलते हैं। सो नाउ इस वाली एमएलजी में वेट करके ही दिखा देता हूँ ना। तो अभी मेरे को करनी है क्राउच एमएलजी, लेट्स गो। बट मेरे को करना है इसको सबसे ज्यादा ऊंचाई से। एंड बाय द वे, तुम लोगों को इसके बारे में पता ही होगा, इसको करने के लिए जमीन पे आते ही शिफ्ट प्लस स्पेस क्लिक करना होता है पर डैमेज नहीं मिलती। तो चलो मैं अपने रॉकेट एंड एलेट्रा के साथ तैयार हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से उड़ने वाला हूँ, सीधा यहीं पे जंप करूंगा, लेट्स गो। ऑलराइट, तो 1000 ब्लॉक्स आई गेस इनफ है, अभी बस मेरे को एमएलजी कंप्लीट करनी है। ओ, हो गई एमएलजी, ये मेरी लिटरली फेवरेट एमएलजी। हाँ, तो मैं बोल रहा था ये है मेरी फेवरेट एमएलजी। वेल, ऑब्वियसली मैं इनको इजीली कर सकता हूँ क्योंकि तुम लोगों को याद होगा लाइक मैंने 2022 में इस चीज की बहुत प्रैक्टिस करी थी, 3 एमएलजी की वीडियोस भी डाली थी, तो इस एमएलजी में तो परफेक्ट हूँ मैं। नेक्स्ट एमएलजी पेश की जाए। सो एमएलजी नंबर 4 है ग्राउंड बकेट एमएलजी। इसका आविष्कार मैंने ही 2022 में किया था। तो इसमें होता क्या है, एक बकेट पड़ी होती है जमीन पे। सो नाउ मेरे को यहाँ से जंप करके या सी ऐसे करते हैं, इसको स्लो मोशन में देखना अच्छे से समझ आएगा। इसमें ग्राउंड पे पड़ी हुई बकेट का यूज करके एमएलजी को अंजाम दिया जाता है। तो अभी इसी एमएलजी को हाईएस्ट पॉइंट से करने का रिकॉर्ड मैं बनाऊंगा। तो मैं बहुत सारे पेड़ काट के प्लैंक्स ले आया हूँ, तो ये प्लेस किए मैंने कुछ ब्लॉक्स एंड ये बकेट यहाँ पे पड़ी रहेगी। तो मुझे बिल्ड करते हुए वर्ल्ड लिमिट तक जाना है एंड ओके, सो वर्ल्ड लिमिट आ चुकी है, तुम लोग देख सकते हो। ऑलराइट, लेट्स गो। आई होप वाटर बकेट डिस्पॉन ना हो गई हो। ओके, ओह, मैं रीप्ले मोड ऑन करना भूल गया था बीच में, बट कोई बात नहीं। एमएलजी पूरी हो चुकी है और मेरा हार्डकोर वर्ल्ड फिर से बच चुका है और ये अब रिकॉर्ड भी मेरे पास है लाइक वर्ल्ड लिमिट से ग्राउंड बकेट क्लच करने का। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट एमएलजी की ओर। तो नाउ मेरे को करना है हॉर्स के ऊपर बैठने वाली एमएलजी। एमएलजी नंबर 5 है ये, बट इसके लिए मेरे को थोड़ा बहुत वेट चाहिए होगा हॉर्स को अपना मित्र बनाने के लिए। और मेरे पास दो सैडल भी रखी है, कहीं से तो मिली थी, मेरे को ये याद नहीं आ रहा। बाय द वे, नाउ मेरे को वेट चाहिए ये, वरना हॉर्स नहीं देगा मेरे को बैठने। नाउ मेरे को ढूंढना एक घोड़ा, इसको अपना दोस्त बनाऊंगा मैं। यस, मेरे वेट खत्म हो गए सारे, मेरे को बैठने नहीं दिया उसने, इसलिए मैं सोच रहा हूँ हॉर्स की तरह हम लोग पिक के ऊपर भी लैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी पिक के ऊपर एमएलजी करूंगा और फिर इसी तरीके से मैं वर्ल्ड लिमिट पे चला जाता हूँ। ठीक है, तो मैं टॉप पे आ चुका हूँ और यहाँ से थोड़ी सी दूर एक पिग भी है। ओके, सो मैं तैयार हूँ, लेट्स गो। एंड एमएलजी भी हो चुकी है। वेल, थैंक यू मित्र। तो इतनी ऊंचाई से ये एमएलजी करने का रिकॉर्ड वो भी हार्डकोर में मेरा हुआ। इस वीडियो को सबको लाइक करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट एमएलजी पेश की जाए, माइनकार्ट एमएलजी प्लस नोजिया वाला इफेक्ट। यस, इसमें मेरे को एक माइनकार्ट चाहिए होगी और ये रेल्स भी तैयार है। तो देखो मेरे को इसमें करना क्या है, तो यहाँ पे रेल ट्रैक रखा होगा, इस पे मेरे को ये माइनकार्ट वाली एमएलजी करनी है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, मुझे एमएलजी नोजिया इफेक्ट के साथ करनी होगी जो कि तुम लोगों को पता है पफर फिश खाने से मिलता है। तो पहले मेरे को वो वाली फिश ढूंढनी होगी। पफर फिश कहाँ है भाई? बाय द वे, तुम लोग ये देखो, न्यू
हूँ स्विम करने की टेक्निक, इसमें मेरे को सांस लेने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। लोल देखो एक यहाँ पर है। ऑल राइट मेरे पास दो हो चुकी है, तो लेट्स गो करते हैं इस एमएलजी को भी। बाय द वे फॉर सेफ्टी रीजन मैं यहाँ पे ओल्ड ट्रैक्स बिछा रहा हूँ, अभी इनके ऊपर लैंड कर सकता हूँ मैं इजिली। तो चलो चलते हैं थोड़ी सी ऊपर, तो यहाँ से करूंगा मैं। ओके इफेक्ट मिल चुका है, लेट्स गो। एमएलजी हो चुकी है, बट मुझे खाना खाते रहना है वरना कुछ हो सकता है। हार्ट्स मेरे वैसे ही कम हो गए, एंड आई गेस या बच गया भाई मैं। तो इस एमएलजी को मैंने वहां से किया था, एंड काफी अच्छी खासी हाइट है, तो या ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मेरा हुआ। I mean, पहली बार किसी का हुआ, क्योंकि पता नहीं ये पहले किसी ने किया या फिर नहीं। नेक्स्ट एमएलजी की तरफ चलते हैं, गोलेम वर्क एमएलजी। तो इसमें करना क्या है पहले ये समझाऊंगा। तो पहले मेरे को जंप करनी है और फिर गोलेम को हिट करना है, और फिर मेरे को गोलेम भी मारेगा, बट देन एक बग होगा जिसकी वजह से मुझे डैमेज नहीं मिलेगी। पहले एक बार ना चेक कर लेता हूँ ये अभी भी काम करता है क्या। लेट्स गो। देखा तुम लोगों ने, ये ट्रिक अभी भी काम करती है। तो चलो करते हैं इसको हार्डकोर वर्ल्ड में। गोलम मेरे पीछे आ ही रहा है, मैं सोच रहा हूँ पहले इसको यहाँ पे ट्रैप कर दूं। और ये लो अच्छे से ट्रैप हो चुका है, तो अभी मैं इसके ऊपर ऊपर से जंप करूंगा। लेट्स गो। तो मैं रेडी हूँ। ओके ये लगा, ओ बच गया मैं, एमएलजी हो गई। ओ भाई ऑलमोस्ट इसने मुझे मार ही दिया था। चलो ये अच्छा हुआ मेरे पास पहले से ब्लॉक्स थे, तो ये एमएलजी भी कंप्लीट हुई सही सलामत। ये बहुत गुस्से में लग रहा है, पहले इसको खत्म करूंगा। नेक्स्ट एमएलजी, तो इसमें मेरे को 5 मिलियन ब्लॉक्स की हाइट से बोट एमएलजी करनी है। अब देखो इस वाली एमएलजी को हार्ड कोर में करना असंभव है, इसलिए मैं इसको चैट का यूज करके टीपी करूंगा 5 मिलियन ब्लॉक्स ऊपर, और ऐसे ही बोट एमएलजी संभव हो पाएगी। तो चलो बिल्कुल यहाँ से ऊपर टीपी होऊंगा मैं। ओके तो ये आ गया मैं 5 मिलियन ब्लॉक्स की ऊंचाई पे। अभी तो पता नहीं मुझे गिरने में कितना टाइम लगेगा, और फिर ऐसे ही मैं वेट करता रहा। मेरे को मेरा वर्ल्ड दिखना स्टार्ट हो चुका है। ऑल राइट मैं तैयार हूँ, यहाँ पे एमएलजी करूंगा। लो हो गई ये वाली भी। इन एमएलजी में टाइम बहुत वेस्ट होता है, लेकिन ऊपर से नीचे आने में इतना टाइम लगता है। खैर ये एमएलजी का रिकॉर्ड मेरा हुआ। नेक्स्ट एमएलजी पे चलते हैं, ड्रीम का बोट क्लच नोजिया इफेक्ट के साथ। देखो ड्रीम का बोट क्लच तो मुझे आता है, बट नोजिया इफेक्ट के साथ करना थोड़ा मुश्किल होगा। और फिर मैं यहाँ पे एक सेटअप तैयार करता हूँ। ऑल राइट तो मैंने ये क्लच प्लस एमएलजी करने का ये सेटअप बना लिया पूरा, तो चलो चलते हैं इसको करने। यप तो यहाँ से मैं जंप करूंगा और फिर क्राफ्टिंग टेबल ओपन करके बोट क्राफ्ट करनी है नीचे एमएलजी, और प्लैंक्स भी मैं अपने साथ लाया हूँ। ऑल राइट तो शुरू करते हैं। ओके अबे मेरी बोट, ओ मिल गई, लेट्स गो भाई मुझे लगा। चलो हाफ अ हार्ट पे बच गया मैं, एंड मेरी हार्डेस्ट एमएलजी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ करूंगा लास्ट एमएलजी, लावा बकेट वाली। इसमें सिंपल पानी की जगह लावा से क्लच करना है। बाय द वे यहाँ पे पास में रुइन पोर्टल है, तो वहां से लावा लाऊंगा मैं। तो ये भर ली लावा की बकेट, लेट्स गो। एंड सेफ्टी पर्पसेस के लिए मैंने एक बाल्टी में पानी भी ले लिया है। ऑल राइट तो लावा से एमएलजी संभव हो सकती है, जस्ट मेरे को ये साइड में प्लेस करना होगा। ऑल राइट सो लेट्स गो। तो ये काम आ गया पानी है। तो ये एमएलजी भी कंप्लीट हुई और मैंने इस हार्डकोर वर्ल्ड को बचा लिया है। ऑलराइट सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। मैं मिलूंगा तुम लोगों से किसी और घातक वीडियो में किसी और घातक टॉपिक के साथ। जब तक तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल अच्छा है।